नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जूलॉजी में पेपर सेकंड का टॉपिक लेंगे अपन वाहा, या इसको अपन कह सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर भी अपन कहते हैं। इस चीज को एक बार समझने से पहले अपन को एक और चीज के बारे में जानकारी लेनी होगी, जिसको हम कहते हैं पैलियोड्रोमिक सिक्वेंसेस। क्या होता है पैलियोड्रोम? क्या होता है ये? एक तरह से रिपीटेशन ऑफ डीएनए है। आप देखिए, इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सीक्वेंस है वह 5 से 3 वाली जो सीक्वेंस है उसको आप देखिए, ए सी सी पी ए ए जी जी टी, ये सीक्वेंस है 5 से 3। लेकिन अगर इस सीक्वेंस को अपन रिवर्स देखें, अगर इस सीक्वेंस को नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर देखें, तो भी ये सीक्वेंस वापस यही रिपीटेशन आएगा, जैसे ए सी सी टी ए जी जी टी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए के अंदर अगर सीक्वेंस को 5 से 3 वाली दिशा में पढ़ा जाए और नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है उसका उसमें भी वापस 5 से 3 वाली दिशा में पढ़ा जाए, तो वह सीक्वेंस अगर सेम आती है तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलियोड्रोमिक डीएनए कहते हैं। यह जो सीक्वेंस रहती है, पैलियोड्रोम जो है, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत काम की चीज है, क्योंकि यह सीक्वेंसेस बनाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स का निर्माण करती है ये सीक्वेंसेस। जैसे कि अपन बात करें इको आर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसकी साइट है जी ए ए टी टी सी 5 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम। अगर इसको वापस देखें अपन जी ए ए टी टी सी, ये 3 प्राइम। तो ये सीक्वेंस क्या बना रही है, इको आर वन एंजाइम की, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसके बारे में अपन लोग स्टडी कर चुके हैं पहले। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि डीएनए को भीतर से काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, जो कि डीएनए को किनारे से काटता है। तो ये जो एंजाइम है इको आर वन, ये क्या करेगा, इस सीक्वेंस को बीच में से काट के स्टिकी एंड बनाएगा। सीक्वेंस को बीच में से काट के स्टिकी एंड बनाएगा, जैसे कि देखिए इस तरीके से, ये क्या करेगा, स्टिकी एंड्स का निर्माण कर देगा। और यह जो स्टिकी एंड्स रहेंगे, यह फिर वापस यूनाइट होने में डीएनए के काम में आते हैं, ये स्टिकी एंड्स। तो ये जो सीक्वेंसेस रहती है पैलियोड्रोमिक सीक्वेंसेस, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें काफी हेल्पफुल साबित होती है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्लोनिंग वेक्टर, वाहक क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो वाहक रहते हैं, यह डीएनए या डीएनए के सेगमेंट है जिसके अंदर फॉरन डीएनए कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं वांछित डीएनए को इंसर्ट करवाया जा सकता है। फॉरेन डीएनए या फिर वांछित डीएनए को इंसर्ट करवाया जा सकता है, जो कि यूजफुल रहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। इनको अपन कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, मतलब बीज की कड़ी है, ये बीज की कड़ी है। जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि अपन को कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ डीएनए है, इसको अपन कहेंगे फॉरेन डीएनए। ये अपना वांछित डीएनए है, इसको अपन को इंसर्ट करवाना है
इसको डालना है किसी और कोशिका के अंदर डालना है अपन को, तब अपन क्या करेंगे, इस डीएनए को पहले अपन डालेंगे वाहक के अंदर। ये वाहक क्या है, वाहक कुछ भी हो सकता है, चार पांच तरीके के होते हैं वाहक, अपन देखेंगे। जैसे कि एक के बारे में अपन बात करें, प्लाज्मा, यह वाहक है। तो यह फॉरेन डीएनए क्या करेगा, इस डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाया वाहक, वाहक है ये, और यह है फॉरेन डीएनए जो कि हमें किसी दूसरे डीएनए के अंदर, किसी दूसरी सेल के अंदर वह डीएनए इंसर्ट करवाना है, जिसके लिए हमें वाहक की आवश्यकता होती है, कैरियर की आवश्यकता होती है, वहीकल की आवश्यकता होती है जो कि काम करता है प्लाज्मिड या फिर इसके तरीके के दूसरे जो वाहक रहते हैं वह काम करते हैं। वाहक कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, वाहक आपके हो सकते हैं प्लाज्मिड हो सकते हैं, फास्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। पांच छह तरीके के अपने पास वाहक पाए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जिनको हम यूज इसमें करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि एक वाहक की क्या क्या खासियत होती है, विशेषताएं क्या क्या है एक वाहक की। वाहक की विशेषताओं में स्पेसिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है क्लोनिंग साइट। वाहक के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जिसके अंदर वह फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाया जा सके, उसको अपन कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट जैसे अपन एक वाहक का अपन बनाते हैं प्लाज्मिड का एक एग्जांपल लेके, ठीक है, तो इसमें कई सारी ऐसी साइट्स पाई जाती है, जैसे कि ये साइट है इको आर वाली साइट है, ये अपन ने बनाया पीबीआर 3222 वाहक बनाया प्लाज्मिड है ये, जो कि इकोलाई के अंदर पाया जाता है। अब जैसे कि ये जो साइट है इको आर वन वाली साइट है, अब देखिए इसमें समझने वाली चीज क्या है आपके, कि ये जो इको आर वन एंजाइम है, यह इको आर वन एंजाइम क्या करेगा, आपके पास जो फॉरेन डीएनए मौजूद है उस पर भी कट लगाएगा, उस पर भी सेम कट लगाएगा, देखिए, ठीक है ना, इसके अंदर जो अपन ने कट लगाया है वह सेम कट उसके ऊपर भी लगाएगा, जैसे कि ये अपन ने कट लगाया था नहीं, ठीक है। अब देखिए कि दो अपनी सीक्वेंस रहेगी, एक तो इको आर वन को जो एंजाइम है उसने यहां पर कट लगाया है, तो यहां पर भी सेम सीक्वेंस है, और जो अपने पास में फॉरेन डीएनए मौजूद है, वांछित डीएनए जो मौजूद है आपका, उसमें भी इको आर वन एंजाइम ने सेम कट लगाया है। तो ये चीज से क्या होगा, इस चीज से ये होगा कि यहां पर यूनाइट करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। जब अपन विजातीय डीएनए को सॉल्यूशन में डालेंगे तब डीएनए आपस के अंदर बेस पेयरिंग के द्वारा इसमें जुड़ जाएगा और वह इंसर्ट हो जाएगा। तो यह सबसे पहली खासियत क्या है कि वाहक के अंदर साइट होनी चाहिए, क्लोनिंग के लिए साइट होनी चाहिए जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जिससे जोड़ा जा सके, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर।
सेलेक्टेबल मार्कर। वाहक में कई जगह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर एक कोई जीन पाया जा रहा है जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जिसके अंदर पाया जाता है। एम्पीसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो अगर इस जीन के अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है तो इससे क्या होगा? जब कोई विजातीय डीएनए इसके अंदर इंसर्ट होगा तब यह जो जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन है, यह जीन अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि डीएनए इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर या फिर वाहक के अंदर डीएनए इंसर्ट हो चुका है। इस प्रकार के कई सारे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो होते हैं जो कि किसी जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेंगे तो अगर अपन ने क्या किया, अपने पास में जो डीएनए था फॉरन, अपन ने उसको इस जीन के बीच में इंसर्ट करवा दिया, इसके बीच में इंसर्ट करवाने के कारण यह जीन खराब हो गया, और खराब हो जाने की वजह से इनएक्टिव हो जाने की वजह से इसके अंदर वह रेजिस्टेंस पावर नहीं रही जो कि होनी चाहिए, जिससे कि हमें इस चीज का फिर पता चल जाएगा कि डीएनए इंसर्ट हो चुका है। तीसरा रहता है मार्कर और रिपोर्टर जीन, इसको अपन मार्कर जीन भी कहते हैं और रिपोर्टर जीन। ये जीन इस प्रकार के रहते हैं कि अगर डीएनए इंसर्ट हो जाता है तब ये जीन्स कलर शो कर देते हैं, जिससे कि हमें देख के ही पता चल जाता है कि हमारा जो वांछित डीएनए था वह इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं वाहक की। अब अपन एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि वाहक कौन कौन से रहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, एक प्लाज्मिड के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला जो वाहक है वह प्लाज्मिड ही है, ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया जाता है। इसकी काफी सारी कॉपीज अवेलेबल रहती है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और यह लगभग 15 केवी यानी किलो बेस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, 15 केवी तक का डीएनए जो है वह लेके जा सकता है, अपने अंदर इंसर्ट करवा सकता है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरसेस जो जीवाणुओं पर अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, जैसे कि लैम्ब्डा फेज और M13। ये दो प्रकार के जो अपने पास बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वाहक के रूप में उपयोग में लेके आते हैं, और लगभग 53 केबी तक का जो डीएनए है, 53 केबी तक का डीएनए इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तीसरा रहता है कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड जो है वह दो चीजों से मिलकर बना रहता है, एक रहता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए और दूसरा रहता है प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों से मिलकर बना रहता है, कॉस प्लस मिड है, ठीक है ना। इसमें कॉस आता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, यह
एडहेसिव सीक्वेंसेस होती है बैक्टीरियोफेज की, मतलब चिपकने वाली सीक्वेंसेस रहती है इसकी बैक्टीरियोफेज की, और ये जो मिड रहता है इसका मतलब रहता है प्लाज्मिड डीएनए। इसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। अब ये जो सीक्वेंसेस है यह 28 से लेकर 45 केबी तक का जो डीएनए रहता है फॉरेन डीएनए उसको अपने साथ में लेके जा सकता है। चौथी सीक्वेंस की अगर अपन बात करें, चौथे वाहक की बात करें, तो ये रहता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको अपन बैक भी कहते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लार्ज साइज का जो डीएनए है इसको वाहक के रूप में उपयोग के लेने के लिए, जब अपने पास में डीएनए का जो अमाउंट है फॉरेन डीएनए का उसकी साइज बड़ी है, तब अपन बैक या फिर यैक जो रहता है ये स्टार्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसको अपन यूज करते हैं। अबाउट 350 केबी तक का डीएनए जो रहता है वह बैक द्वारा वाहक के रूप में लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यैक के बारे में। यैक को अपन कहते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सबसे लार्जेस्ट अमाउंट का जो डीएनए रहता है, सबसे जिसको अपन कह सकते हैं 1000 केबी तक का, 1000 किलोबेस तक का अपने पास डीएनए है, फॉरेन डीएनए है। अगर इसको वाहक के रूप में उपयोग करना है, हमें इसको लेके जाना है आगे, तब हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। जीन जो रहता है जिसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो अगर डीएनए की उसके अंदर, तब हम यैक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं बच्चों, अपन जनरली 5 प्रकार के वाहकों का उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। थैंक यू।